रेस्पेक्टेड मैनेजर सर, डायरेक्टर सर, टीचर्स, पेरेंट्स, माय स्टाफ एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी इस बार भी हमें अपने सभी फेस्टिवल ऑनलाइन ही सेलिब्रेट करने पड़ रहे हैं। वैसे तो हम प्रतिदिन किसी न किसी क्लास में इंटरेक्ट करते ही हैं, लेकिन जब मैं अपने नेशनल फेस्टिवल के बारे में सोच रही थी, अपनी मातृभूमि के बारे में सोच रही थी, अपने देश की मिट्टी के बारे में सोच रही थी, तो मैं बहुत अधिक भावुक हो गई। किंतु फिर मैंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने दिमाग में रखी और शायद मैं अपने आप को आप सभी के और अधिक नज़दीक महसूस कर पाई। मैं यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम में गई, स्कूल में भी गई, वहाँ पर टीचर्स से बात की, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो एशियन स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं यहाँ के टीचर्स। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कंपेटिटिव हैं, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। इवन यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पर एशियन स्टूडेंट्स। और शायद जब हम अपने देश से दूर होते हैं तो और अधिक प्यार कर पाते हैं। यहाँ पर कोई जाति, रंग भेद या कौन से एरिया से है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंडियन जब दूर से दिखता है तो लगता है अरे वो भारत से है, और हमारे एक स्माइल देने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है। और मेरा ऐसा मन करता है कि जितनी भी यहाँ पर सुविधाएं हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को ये दे पाऊँ, अपने टीचर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर पाऊँ। शायद कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम हो जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें एंजॉय कर पाएँ, सीख पाएँ, और मुझे विश्वास है कि ऐसा एक दिन आएगा, लेकिन उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी होगी। मैं देख रही हूँ हर पाँचवा व्यक्ति यहाँ पर मुझे इंडियन दिखाई देता है जब मैं वॉक पे जाती हूँ। जो भारतीयता की भावना है, भा, जब भी भा आ जाता है तो प्रकाश की ओर प्रेरित करता है, जैसे भास्कर, प्रभात, ज्ञान की ओर, भारत, मानवता की ओर प्रेरित करता है। और हमें फक्र है, हमें गौरव है इस बात का कि हम भारत भूमि से जुड़े हुए हैं, अपने देश की मिट्टी से हमें और अधिक प्यार हो जाता है। जो भारतीयता की भावना, जो देश प्रेम की भावना, एक बार हम वाघा बॉर्डर पर गए थे, मैंने उस दिन महसूस की थी, शायद उससे भी अधिक भावना, उससे अधिक देश प्रेम। कल जब मैं शकुंतला मैम की क्लास ले रही थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास, और वहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मैम करा रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे सॉन्ग गा रहे थे, नन्ना मुन्ना राही हूँ। सो देश प्रेम की भावना, जब वो जय हिंद बोले तो आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स, और शायद मैं अपने देश से और अधिक प्यार कर पाऊँगी। अब मैं अपने देश को ऐसा मन करेगा कि मैं और अधिक अपने बच्चों को प्रेरित करूं, उनको और मेहनत करने के लिए उनको जुझारू बनाऊं, और उनको ऐसा मेहनत करने के लिए कि वो अपना, जब भी मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीयता की भावना की सबसे पहली कड़ी उसका परिवार होता है। यदि आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आप देश प्रेम कर पाएंगे। अंत में अधिक समय न लेते हुए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।